नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिला परिषद फार्मासिस्ट भर्ती लातूर महाराष्ट्र में जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या कुछ नया अपडेट्स आया है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एग्जाम को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे जिला परिषद लातूर में जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम आपको पता होगा कि इसका एग्जाम होने वाला था आपका 22 अक्टूबर 2023 के दिन। यहाँ आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर 2023 के दिन इसका एग्जाम होने वाला था, लेकिन अब इसमें एक नया अपडेट हमारे सामने आया है। आप देख सकते हैं ये जिला परिषद लातूर का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें हम एग्जाम की बात करें तो ये जो एग्जाम है आप यहाँ देख सकते हैं जो औषध निर्माण अधिकारी का एग्जाम होने वाला था उसका डेट बढ़ चुका है, यानी वो एग्जाम अभी के लिए पोस्टपोन्ड हो चुका है। आगे टेंटेटिव डेट जब भी आएगा हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर बताएंगे, आप ये वाला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे अब एम्स ऋषिकेश में जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। यहाँ आप जैसे ही एम्स ऋषिकेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आपको सिंपली क्लिक करना है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे। यहाँ आप अपना रेफरेंस नंबर और पासवर्ड डालकर आप अपना एडमिट कार्ड या हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो एग्जाम है वो एम्स ऋषिकेश में 1 नवंबर 2023 को होने वाला है। तो दो बड़ी अपडेट हमने इस वीडियो में बताया, पहला था लातूर में जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो एग्जाम होने वाला था वो अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है, इसका टेंटेटिव डेट भी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और दूसरा एम्स ऋषिकेश के बारे में। इसी तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।